गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है थर्सडे, व्लॉग है वेनसडे का। बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले इस खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हर दूसरे वीक एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो मुझे इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की समझ नहीं आती कि इतने एग्ज़ाम्स क्यों रखते हैं ये। कभी असाइनमेंट्स ड्यू हैं, कभी मिड टर्म्स आ गए, फिर क्विज आ गए। तो फिर मैं यहाँ पर बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे ना दिमाग में कुछ चला जाए। आई वॉज़ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो घर भी चलाना है, यूट्यूब भी चलानी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना पड़ता है। आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है कि मैंने कितने टाइम में कौन सा काम कब करना है, उसके हिसाब से फिर अब चलते हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी, अब मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि जितना मेरा दिमाग यूज़ होता है ना, मुझे उतनी ही भूख लगती है। और स्पेशली ब्रेकफास्ट के वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती भूख। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा ऑमलेट। तो स्पिनिच ऑमलेट इज़ माय फेवरेट, यू नो। थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सो वी हैव टू बी केयरफुल एट अ वेरी यंग एज। और आप सोचते होंगे कि बड़ी हेल्दी बातें कर रही है, खा चार अंडे रही है। ये ऑमलेट ना मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए साथ में बना रही थी, क्योंकि मुझे बार बार वो ऑमलेट, जब एक ही रेसिपी है तो उसको मैंने क्या बार बार फेंटना है। अगर मैं सिर्फ अपने लिए बना लूँगी ना, हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, तो फिर अगर वो मेरे नाश्ते के दौरान उठकर आ गए ना कि मुझे तो नाश्ता चाहिए था, तो मुझे भी बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए मैं पहले ही बना कर रख लेती हूँ अपने साथ ही, जब भी उठेंगे आ जाते हैं। वैसे उनको ना खुशबू आ जाती है नाश्ते की, जैसे ही नाश्ता रेडी हो जाता है ना, ही जस्ट वॉक्स इन टू द किचन एंड चलो मैं ना दो कप कॉफ़ी भी बना लेती हूँ फिर। और कॉफ़ी की स्मेल से भी फिर इंसान उठ जाता है। अगर अपने घर में किसी को उठाना हो ना, तो चाय और कॉफ़ी बनाना शुरू कर दें बस। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना आपको अब ये दिखाती हूँ कि मैंने रूम का थोड़ा मेकओवर किया। ये कंफर्टर्स मैं नए ख़रीद कर लाई थी, ये मेरा पुराना कंफर्टर है, ये क्वीन साइज़ है, क्योंकि मैंने बेड को अपग्रेड किया था किंग साइज़ में, तो मैं भी कंफर्टर भी किंग साइज़ ले आई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पहला कंफर्टर लेके आई ना होमसेंस से, ये आप देख रहे हैं इसका मटेरियल, ये ऐसे था जैसे इसको ना हर वक्त इस्त्री करके रखना पड़ेगा, और ये इस्त्री भी नहीं होगा, इसका मटेरियल लाइक बहुत ऑफ था। तो फिर हम दोबारा से गए हैं होमसेंस, फिर हम दो कंफर्टर्स और लेकर आए देखने के लिए, क्योंकि वहाँ समझ नहीं आती उनके मटेरियल्स की, तो घर ला के चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है मेरा दूसरा कंफर्टर जो मैंने दोबारा से ट्राई किया है होमसेंस से, तो वो वाला पहला वाला जो था ना, वो बहुत सॉफ्ट था, वैसे वाइट था, हमें वाइट ही चाहिए था, लेकिन ये गोल्डन था, ये मैच करता था बेड के साथ। तो हमने सोचा चलो ये बेड के साथ ये वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ये अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो बेड का कलर है ये थोड़ा ऑफ वाइट है, तो मुझे चाहिए था कि या तो सिर्फ वाइट हो, आई लाइक द वाइट, बट अगर ऑफ वाइट भी हो जाए तो चलो ठीक है चलेगा। हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे। अब जो पहला वाला कम्फर्टर ना, उसकी बड़ी दुखी कहानी है। वो इतना अच्छा कम्फर्टर था, इतना अच्छा, जैसे अगर आप इमेजिन करें ना क्लाउड्स, जैसे आपकी इमेजिनेशन होगी ना क्लाउड्स के बारे में, कि क्लाउड्स विल बी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी एंड लाइट, वो कंफर्टर ना क्लाउड्स की इमेजिनेशन ऑफ क्लाउड्स था। और हम फिर ये भी लेके आए, दो तकिए रखते हैं ना पीछे, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो भी होमसेंस से लेकर आई। तो हमने होमसेंस से ना कोई बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। एक ये थ्रो लेकर आए, आपको थ्रो नज़र आ रहा है, लेकिन तीन कम्फर्टर हमने इसलिए ट्राई किए क्योंकि एक तो ना होमसेंस पे कंफर्टर्स की ना क्वालिटी समझ नहीं आती, क्योंकि वो पैक्ड होते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसको खोल के बिछा कर देखते हैं। तो टेक वन तो बहुत रॉन्ग गया, ये है टेक टू ऑफ द कंफर्टर्स। तो इसके ऊपर हमने ये थ्रो बिछा कर देखा, थ्रो इतना ज़्यादा इस पर नहीं गया, लेकिन ये जो वाइट वाला था ना कम्फर्टर, ये थ्रो उसके ऊपर बहुत अच्छा जा रहा था। तो नीचे जो पड़ा हुआ है ना ग्रीन, अब हमने नेक्स्ट वो ट्राई करना है, क्योंकि हमें देखना था कि कौन सा ज़्यादा फ्लफ़ी सॉफ्ट है। दूसरा हमने ये देखना था कि हमें एक तो बेड पे अच्छा कौन सा लगता है, लेकिन फ्लफ़ी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो था ना ग्रीन वाला, ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम था, ये बल्कि बहुत गर्म भी था, फॉर सम रीज़न ये बहुत हैवी कम्फर्टर था, लाइक बहुत हैवी। तो हमें ना हैवी भी नहीं पसंद,
तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले बिछा कर देखा अच्छी तरह से, फिर मैंने पिक्चर्स भेजी मेरी फैमिली को, मैंने कहा कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर सब ने मुझे वोट किया कि वाइट वाला जो है ना, ऑफ वाइट, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके हमने कम्फर्टर डिसाइड किया। इट वॉज़ दैट डिफ़िकल्ट, एक कम्फर्टर लेना हमारे लिए लाइक हेडेक बन गया था। ऑनेस्टली इतनी वैरायटी होती नहीं है कम्फर्टर्स की इन कैनेडा। अगर आप अमेरिका से लेकर आते हैं ना, तो वहाँ तो बहुत वैरायटी होती है वैसे। और यहाँ आप सोचते होंगे कम्फर्टर ख़रीदते ख़रीदते हम ये कहाँ बाइकिंग पर निकल गए हैं। हम इस गर्मियों में इतने बाइकिंग पर गए नहीं, तो हमने सोचा चलो गर्मियाँ जाते जाते ना, गर्मियों को हम अलविदा करते हुए एटलीस्ट एक दफ़ा बाइकिंग पर तो जाएँ ट्रेल्स में। तो हमने पहले क्या किया, हम ना यहाँ से गए हैं बाइकिंग करके मम्मी के घर पे, उनके गैराज में ये मेरे छोटे बेटे का बाइसिकल पड़ा हुआ था। अब उस बेचारे को मैंने कहा कि तुमने बाइसिकल ना राइड करके वापस लेकर जाना है, बैठ के तो तुम डैड के बाइसिकल के पीछे आए हो, पर तुम जाओगे खुद। बारिश होने लगी और ये बेचारा, इसने फर्स्ट टाइम एवर इतनी लंबी राइड की है, एंड ही वॉज सो टायर्ड एंड आई फील सो बैड फॉर हिम, ही इज़ माई लिटल वन। और मुझे इस पे बहुत तरस आता है जब ये बहुत कोई रफ़ या टफ काम करता है। तो अब हमने बाइक्स लेके ना बारिश में भीगते हुए हम घर पहुँचे हैं, और सबसे पहले मैंने कहा पहले मोरिंगा पिया जाए क्योंकि इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई मीन जस्ट गूगल इट, इट्स जस्ट वेरी हेल्दी। मुझे तो इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत कुछ चीज़ें हैं। और फिर मम्मी आ गई घर, वो कहती हैं कि आज फिर से कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉलर स्टोर चलते हैं और जाके और चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं और फिर से कुछ ऑर्गेनाइजिंग करते हैं किचन में। तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, बॉक्स भी लेके आए हैं खाने सारा कुछ। ए भी डॉलरामा तो लैके आए हैं समान भी इस वास्ते हम दसने असं बॉक्स इन्हें तुम कि यूज़ करना। तुम असं अपना ए वाला दराज जो ए वाला देख सकते जी, पर तुम असं ऑर्गेनाइज करके देखिए। ऑर्गेनाइज होने के बाद मैजिकल हो जाएगा, मैजिकल। हाँ जी, ये जो है ना, ये जैसे नहीं सामान आप किचन के जो कैबिनेट होती है उसके नीचे आप जब चीज़ें रखते जाते हैं तो फिर पाइल अप होती जाती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती जाती हैं, उसके बाद फिर वो इधर उधर गिरने लग जाती हैं। तो मैं ये भी करना चाहती थी, तो मैंने ना मम्मी से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो रैक अंदर पड़ा हुआ है ना, ये मैं फेंकना भी नहीं चाहती, तो मुझे रखना भी है लेकिन ये मुझे इस यहाँ पर भी नहीं रखना। असल में ये प्याज वगैरह के लिए रैक यूज़ होता है, बहुत लंबा सा हो जाता है, 4-5 इसके स्टैक हो जाते हैं। तो मैंने मम्मी ने फिर उसका बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि उस रैक को मैंने कहाँ पर रखना है। बाय द वे वो ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक्चुअली मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगी, उस रैक्स को जहाँ कहाँ रखना है ना, दैट्स गोना बी फन पार्ट टू। और ये जो डॉलरामा से हम लेकर आए ना ऑर्गेनाइजर्स, मुझे इतने अच्छे ये ऑर्गेनाइजर्स मिल गए। लिटरली ये ऑर्गेनाइजर्स ना आपको अगर ये डॉलरामा पर मिल जाए ना, आई मीन यू शुड बी ग्रेटफुल। ये लिड है इसके ऊपर, यूजुअली डॉलरामा पे वहाँ पर भी 5-6 ही पड़े हुए थे, 3 तो मैं ले आई, तो अब 2 और रह गए थे। तो आई डोंट नो इफ दे रिफिल्ड और नॉट। पॉडियम दे डिशवाशर दे ऐसे पान लगे हैं थोड़े ने, ये विच 2 डब्बे कम से कम इधर नाल दे पा दो तो फुल हो सकता है ना। और ऑयल का मैं बहुत बड़ा सा ये जार लेके आती हूँ कॉस्को से, तो ये इसकी भी कोई जगह नहीं होती रखने की। तो हमने उसको ना थोड़ा सा रह गया था तो इसमें डाल दिया, एक इस कंटेनर में डाल दिया है, थोड़ा सा एक और चीज़ में डाल दिया है, एंड वी डन। तो यहाँ मैं रख रही हूँ विम, और आ जाएगा यहाँ पर ये इजी ऑफ जो मुझे बहुत चाहिए होता है, साथ में आ जाएगा ये सिल्वर स्प्रे, रेफ्रिजरेटर सिल्वर साफ करने वाला, स्टील साफ करने वाला, और ये शावर स्प्रे है फॉर नाउ, आई एम गोना पुट इट हियर, आई डोंट यूज दैट मच। ग्लास क्लीनर, और यहाँ आ जाएगा ग्लास क्लीनर, और ये है डिशवॉशर का ब्लू लिक्विड। ओह, काफी कुछ आ गया। सो लुक्स लाइक सारे ही लिक्विड्स इसके ऊपर आ गए हैं, सारे लिक्विड्स आ गए हैं। दैट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एज येट। ओह, एक चीज तो रखी नहीं मैंने, माय फेवरेट वन, ये तो मैंने रखा ही नहीं, दिस इज माय फेवरेट वन, एंड देयर वी गो। डिशवॉशर का रिफिल है, इसको मैंने यहाँ पर रख देना है। कुकिंग ऑयल हम यहाँ पर रख देंगे इधर, इसको मैं यहाँ रखती हूँ लेकिन इसको मैं लेबल करके रखूँगी, अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई ऑयल एक्सेस करने की कोशिश करे या ऑयल चोरी करने की कोशिश करे तो उनको पता हो कि ऑयल ये है, उनके लिए चोरी करना आसान है। देयर वी गो। और ये जो छोटे छोटे से टॉवल्स हैं, ये काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए ना बहुत अच्छे हैं, ये भी मैं डॉलर स्टोर से लेके आई हूँ। यूजुअली मैं सिर्फ क्लॉथ लेके आती थी, बट दे वर्क। ये मैं सोच रही हूँ कि ना नीचे रख दूँ,
बहुत बार ना इसको रीऑर्गेनाइज हमें करना पड़ा बार बार। ये सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है इन चीज़ों की ना, तो यहाँ पर सबसे ऊपर पॉड्स रखती हैं, डिश वॉशर पॉड्स, उसके नीचे है स्टील वायर्स और स्पंज एक्स्ट्रा। ये स्टील वायर्स मुझे बहुत चाहिए होती हैं, बट उसके नीचे जो है ना वो है हमारा एक्स्ट्रा रिफिल्स। तो हाँ, इसमें जैसे वो गार्बेज बैग्स हैं या ये कभी रस्सी की कभी ज़रूरत पड़ती है, और ये कैंडल्स, तो मैंने सोचा कि इसको ना फिर ऐसा रखा जाए जहाँ पर ईजी एक्सेस हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट। इसको मैं पॉड्स और लेके आने हैं, बड़ा बड़ा ला के ना सारे इसमें डाल दूँगी। पहले जगह नहीं थी तो मैं कम लेके आती थी, सो नाउ आई एम ब्रिंग मोर एंड आई रिफिल दिस। अब मम्मी कहती हैं कि ये प्याज का छिलका निकाल दो, तो अब हमने क्या किया है, ये जो हम लेके आए थे ना फाइल ऑर्गेनाइजर्स, तो इस फाइल ऑर्गेनाइजर से ना मम्मी का ये आइडिया है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे सारे आलू एक में डाल के। मम एक आलू के साथ ना लहसुन ऊपर डाल दें और जो प्याज है ना उसको सेपरेट कर दें, लहसुन इसके ऊपर ही कर दें, क्योंकि मुझे लहसुन चाहिए होता है आलू के साथ। दैट्स अ रियली गुड आइडिया। सो मैं ये सारा खाली कर दूँगी, ये सारा अनयूज में आ जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर हम भी कोई डेकोरेशन रख सकते हैं। नाइस। अब ये वाला जो है ना इसके अंदर हम प्याज डालते हैं। ऑलराइट, तो प्याज भी पूरे आ गए हैं, वो जगह खाली हो गई है। सो बिफोर ऐसा लगता था, अब आफ्टर का लुक देख लेते हैं कैसा लगता है। और इसको हम यहाँ रख देंगे। Holy, this looks good. I mean, honestly, मेरा दिल करता है कि हम मैं इस अलमारी को खोल के बैठी रहूँ। I'm just gonna keep recording because it looks so good. जैसे मेरे बच्चे कहते हैं ये जो पेंटिंग है ना मैंने बना दी है, अब ये फ्रिज के ऊपर ही रहेगी। तो पता कैसे रहेगी, अब फ्रिज के ऊपर ऐसे रहेगी। जस्ट डू दिस एंड देन पुट इट ऑन द फ्रिज लाइक दिस, एंड हाउ नीट एंड क्लीन इज दैट। तो यहाँ पर ना बहुत सारे पेपर्स लगे हुए हैं जिनको मैं ऐसे करूँगी। अभी हमने सारी जगह खाली करने लगे हैं और इसको हम साफ करके दिखाएंगे कि ये देखें, साफ करके दिखाएंगे कैसी लगती है। और ये है मेरी क्यूबा की प्लेट, मैं वहाँ क्यूबा से लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने हैंग करना है। बट आई थिंक मैं इसको सुविनियर्स पे जगह पे रखूँगी। सुविनियर्स कहाँ रखने हैं ना वो भी हम आपको दिखाएंगे 3 हफ्ते तक। इसके ऊपर ना मैंने बहुत सारा सामान रखा। पता नहीं मैंने अपना किचन कितनी बार ऑर्गेनाइज किया है, इस जगह को ना इस कॉर्नर को तो मैंने पता नहीं कितनी बार बदल चुकी हूँ। तो मैं मुझे ना बोर हो जाती हूँ, मैं जब मैं एक कॉर्नर को एक सेटअप में रखती हूँ ना एक्स्पेशली फॉर द किचन, तो मुझे बहुत बोरियत होती है, फिर मैं उसको चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने वो एक स्टैंड लिया हुआ कॉर्नर स्टैंड, तो मैंने जो रखा हुआ था उसके ऊपर मैंने जो चीज़ें रखी थी ना उससे मैं बोर हो गई थी, तो मैंने वो चेंज कर दी। बट आई थिंक आई एम गोना चेंज अगेन एंड गेट समथिंग फ्रॉम होम सेंस, या फिर विनर्स पे जाके ढूंढ कर लाऊंगी अगर वहाँ पर कोई अच्छा डेकोरेशन पीस मिल जाए जो मैं किचन के कॉर्नर में रख सकूँ उसके ऊपर। तो ये वाली जगह साफ हो गई है अब किचन की ना, देखें पूरा कॉर्नर साफ हो गया है। फ्रिज का मैंने सारा कुछ उतार दिया, फ्रिज को हम भी करना है साफ, और ये कॉर्नर साफ हो गया। अब इसका ना सारा सामान जो हमने निकाला है ना ये सारा वापस रखना है, बट दिस टाइम अरेंज एंड डेकोरेटेड अ लिटिल बिट। फ्रिज को आप सिल्वर स्प्रे से भी साफ कर सकते हैं, सिल्वर अप्लायंसेस की, लेकिन ये वाली जो स्प्रे है ना मेयर्स की, ये ऑल इन वन स्प्रे है, इसको आप मतलब कहीं पर भी साफ, कोई भी काउंटर साफ करना, फ्रिज साफ करना है। और मैग्नेट्स, ये सारे मेरे सुवेनियर्स हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ वहाँ से ही मैग्नेट्स लेके आई हूँ। क्यूबा, मोरेन लेक, अल्बर्टा, बैंफ, नियाग्रा फॉल्स, वैंकूवर, सो मेनी प्लेसेस, न्यूयॉर्क, तो सारे मैग्नेट्स मेरे पास नहीं है अभी। मैंने बहुत सारी जगहों से ना, मैं शुरू शुरू में मैग्नेट्स नहीं ख़रीदा करती थी बहुत पहले जब मैं जाया करती थी वेकेशंस पे, तो अब जब मैंने ख़रीदना शुरू किए अब मुझे लगता है कि मेरे कोई 4-5 मैग्नेट्स मिसिंग हैं इनमें। आप ना नीचे कमेंट में लिखें कि आपका फेवरेट जगह कौन सी है घर में साफ़ करने वाली, जो आपको लगता है कि मैंने हर वक्त इसको डेकोरेट करते रहना है, इसको चेंज करते रहना है, इसको ऑर्गेनाइज करते रहना है, चेंज। व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस? माइन इज़ किचन, ऑफ कोर्स इट्स किचन। जितना डेकोरेशन मेरे किचन में, पूरे घर में इतनी डेकोरेशंस नहीं मैंने की हुई। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी पॉट्स डाल दिए हैं। अब मम्मी को ना कॉफ़ी पॉट्स करना, मेरे वैसे ये दोनों कंटेनर्स बड़े पसंद है। मम्मी ने ये देखा नहीं था कि मेरे पास ये वाला कंटेनर है, हाउस वाला। ये मैंने लास्ट ईयर वॉलमार्ट से विंटर्स में लिया था, तो जैसे सीजनल आता ना क्रिसमस का, तो ये विंटर्स में ऐसा कुछ सीजनल सा आया था ये कंटेनर ना, जैसे बर्फ़ में घर बने हों तो इस तरह के लगते होंगे ना, तो मुझे ये लुक बहुत अच्छी लगी, मुझे स्नोई लुक बहुत अच्छी लगती है।
लेकिन इस बार तो ना हमारी सर्दी आ ही नहीं रही, तो आई डोंट नो कि हमारी कोई स्नो लुक आएगी कि नहीं, स्नो पड़ेगी भी कि नहीं। अक्टूबर का महीना है और सर्दियाँ आ ही नहीं रही, मतलब इतनी गर्मी है कि क्या बताएं अब। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरे इस ज़बरदस्त से कॉफ़ी का साइन भी मेरा लगने लगा है दीवार के ऊपर। मैंने उसको राइट साइड पर लगाया था लेकिन वहाँ पर वो गिर जाता था क्योंकि स्टीम होती थी चूल्हे की, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लेफ़्ट साइड पर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो नेक्स्ट संडे फिर आने वाली है 2 AM कैनेडियन टाइम, और बाकी का वर्ल्ड का टाइम आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।